राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी अब रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान चलाएगी, इसकी जानकारी नवीन तिवारी ने दी। दरअसल अस्पताल में भर्ती मझियाओं की एक महिला को एबी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी, जिसकी जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता सह सहायक अध्यापक धीरज मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप का सहारा लिया और कुछ ही देर में राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के जिला संगठन मंत्री राज पांडे ने खून देने पर अपनी सहमति जताई। रक्तदान के समय परशुराम सेना ने यह संकल्प लिया कि आने वाले समय में ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता रहे, इसलिए अब राष्ट्रीय परशुराम सेना के द्वारा रक्तदान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सभी स्वस्थ युवाओं से रक्तदान करने की अपील की जाएगी। मौके पर नवीन तिवारी ने धीरज मिश्रा द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी सराहा। यहाँ प्रखंड निवासी स्वर्गीय प्रभु साहब की धर्मपत्नी अनिता कुंवर को एबी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। भाई धीरज मिश्रा जी को जानकारी हुई, उन्होंने राष्ट्रीय परशुराम सेना वाहिनी से संपर्क किया और परशुराम सेना के जिला संगठन मंत्री राज पांडे द्वारा रक्त उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय परशुराम सेना वाहिनी रक्तदान के प्रति हमेशा जागरूकता अभियान चला रही है और भाई धीरज मिश्रा इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और उनके साथ सदैव खड़ा रहे। क्या हुआ, हाथ जल गई? टेंशन में है क्यों, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है? हाँ भाई, हाँ। भाई साहब, 2 किलो आलू दीजिएगा तो आलू का दुकान है। अच्छा, क्या हुआ भाई साहब, परेशान है? हाँ। याद नहीं रह रही है कोई चीज? हाँ। बच्चों के एडमिशन के लिए टेंशन में है? अरे हाँ भाई, हाँ। परेशान है? हाँ। बच्चों के लिए स्कूल तलाश रहे हैं? अरे हाँ। एडमिशन नहीं हो रही है? अरे हाँ बाबा, हाँ। अरे जब ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है इधर, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं उधर? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर।